नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सेशन कमीशन जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बहुत बड़ा बैड न्यूज निकल के सामने आ रहा है क्योंकि हरियाणा स्टाफ सेशन जुड़े हुए कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या अपडेट है, पूरी की पूरी आपको जानकारी बताने वाले हैं। कि उसके साथ साथ उन्होंने लिस्ट भी जो है सार्वजनिक कर दिया है कि किन किन कैंडिडेट्स को क्या डेट पता, सब कुछ उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया। तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि किन कैंडिडेट्स को जो है गिरफ्तार किया गया है और क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, सब कुछ आपको हम इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट जितनी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, वो सब आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। उसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट जितनी भी होती है वो सब हम यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कि हरियाणा स्टाफ सेशन कमीशन से जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स, किन किन कैंडिडेट्स को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और किन किन की लिस्ट जो है वो सार्वजनिक की है। उससे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था शाम को, जिसमें मैंने बताया था कि कुल 13 कैंडिडेट्स को FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये 13 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कि 7 बॉयज हैं और 6 जो है वो गर्ल्स को जो है वो इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी। तो इन कुछ कैंडिडेट में से जो है कुछ लगभग 6 कैंडिडेट्स को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुलिस भर्ती पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती चल रही थी उसमें कुछ फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे, उसके बाद SIT गठित की गई थी। तो SIT ने जो है वो 4 अन्य आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है और टोटल अब जो है 10 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो नाम भी सार्वजनिक कर दिया है, नाम भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले इन 6 आरोपियों को जो है, जो पहले 6 आरोपी थे उनका नाम यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है और जांच भी टीम गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें सबसे पहले है संदीप पुत्र सतपाल निवासी फरीदपुर जिला हिसार का, उसके बाद फिर विनोद पुत्र प्रेमचंद निवासी गांव अलीपुरा तहसील उचाना का जिला जिंद का, ठीक है। उसका मोहित पुत्र मान सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है हासी से। फिर जोनी कुमार पुत्र बचना राम निवासी, ठीक है, कैथल से, इसको गिरफ्तार किया गया है। उसका रवि कुमार पुत्र तो सुरेश, इनको जो है सोनीपत से गिरफ्तार किया गया है। और मुकेश कुमार पुत्र हुसैन निवासी पुंडारी जिला के जो है वो कैथल से ही। इसके कुल 6 कैंडिडेट्स को अभी गिरफ्तार किया गया है, 4 कैंडिडेट्स को कल गिरफ्तार किए गए थे। तो कुल 6 और 4 10 कैंडिडेट्स को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है भर्ती वाले और फर्जीवाड़ी मामले में यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है। तो देखिये यहाँ पे जो HSSC का और साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का, हरियाणा सरकार का जो ये पहल चल रहा है उस पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लगातार जितने भी फर्जीवाड़े करने वाले गिरोह हैं उनका भंडाफोड़ करिए और फटाफट उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालिए, क्योंकि ऐसे गिरफ्तारी होगी तभी क्योंकि जो मेहनती बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फर्जीवाड़े हो जाते हैं, उनका रिजल्ट रुक जाता है, उनकी भर्ती रुक जाती है, उनका मेहनत खराब हो जाता है। आपके क्या राय है, आपके क्या विचार है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि ये हरियाणा सरकार की तरफ से और HSSC तरफ से जो भी पहल की गई है उस पे आपका क्या राय है, क्या विचार है, हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को आगे अंत करते हैं और बताते हैं आपको कि अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल।